और मेरे भाई मेरी बहने, ऐसा नहीं होने वाला कि थोड़े दिन हम नेकी कर ले फिर बाद में गलत काम करें, फिर बाद में गलत जिंदगी पर आ जाएं, नमाजें छोड़ दें, बेहयाई के काम करें, गलत चीज़ों पर आ जाएं, भाई एक महीने तक अल्लाह अल्लाह करें और बाद में फिर जाके गलत काम करें। तो याद रखिए, एक शख्स का खात्मा किस चीज़ पर होता है वो सबसे अहम होता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने बहुत अच्छी इबादत की रमज़ान में, फिर गुनाहों के काम पर चला, गुनाहों पर चलता रहा, गुनाहों में खात्मा हुआ उसका। तो हम देखते हैं कि खात्मा किस चीज़ पर होता है वो बहुत अहम है। और क्योंकि खात्मा हमारा कब होने वाला है वो तो हमें पता ही नहीं है, हमारी एक्सपायरी डेट तो है नहीं, तो हमारे लिए समझदारी ये है कि हमेशा तैयार रहिए एक्सपायरी के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना ये कभी भी एक्सपायर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने रहम किया हम पर कि हमें हमारी इंतकाल का वक्त नहीं बताया, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने बताया होता तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो अभी तो मैं 60 साल की उम्र में मरने वाला हूँ, अभी बहुत सारे काम गलत कर सकता हूँ, लास्ट में अच्छी इबादत कर लूँगा। लेकिन हमारी एक्सपायरी डेट क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमें हमेशा तैयार रहना है।